फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। कब्र में मुख्तार, 400 गोलियों का मुख्तारनामा। इन तीन तस्वीरों में पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी सिमटी हुई है। ये वही मुख्तार अंसारी था जो 400 गाड़ियों के काफिले पर चलता था, लेकिन आज गाजीपुर में चार कंधों पर माफिया का खौफ, रुतबा और दबंगई कब्र में दफन हो गई। ये वही मुख्तार अंसारी था जिसके इशारे पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े 400 से ज्यादा गोलियां मारी गई थी, जिसके चलते मुख्तार साल 2005 में मरते दम तक जेल में कैद रहा था। ये वही मुख्तार अंसारी था जिसकी मूंछों का ताव देखकर शासन और प्रशासन में मौजूद अधिकारियों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद मुख्तार के माफिया राज का ऐसा अंत शुरू हुआ कि देखते ही देखते मुख्तार अंसारी, उसके परिवार और उसके करीबियों की 650 करोड़ से ज्यादा संपत्तियां तबाह कर दी गई। इन तीन तस्वीरों में माफिया मुख्तार के 65 मुकदमों का ऐसा माफियानामा है जो साबित करता है कि पूर्वांचल से माफिया राज खत्म हो चुका है। 65 गुना 400 गोलियों का मुख्तारनामा, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोगों को हार्ट अटैक आ जाता था, वो माफिया मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से मर गया। जिस गाजीपुर में माफिया मुख्तार की तूती बोलती थी, उसी गाजीपुर में मुख्तार के जनाजे में उसकी पत्नी, उसका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी शामिल तक नहीं हो पाए। जनाजे में हुदंड मचाने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यूपी बदल चुका है, माफिया खत्म हो चुका है, फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें, मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। समर्थकों से क्या अपील करेंगे, जो उनके जो आए थे काफी बड़ी संख्या में, उनसे क्या अपील करते हैं, किस तरह की अपील करते हैं? शांति व्यवस्था बनाकर रखें, और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है, सभी की वीडियोग्राफी हुई है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया। 45 साल के आपराधिक इतिहास वाले यूपी के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का अंत तभी शुरू हो गया था जब उसने 2005 में मऊ हिंसा और जेल में रहकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी थी। लगभग 61 साल का बाहुबली माफिया अंसारी मर चुका है। मुख्तार के अंत के साथ ही उसके गुनाहों की लंबी चौड़ी केसों की लिस्ट में एक ऐसा केस भी है जो हकीकत में मुख्तार के अंत की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। मुख्तार से जुड़ा यह केस था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का हत्याकांड। साल 2005, AK-47 और 400 राउंड फायरिंग। लगातार 26 साल तक पूर्वांचल में गदर मचाने वाले मुख्तार अंसारी पर वैसे तो 61 से ज्यादा आपराधिक मामले थे, लेकिन साल 2005 में जिस तरह से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई, उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। कृष्णानंद राय की हत्या इतने खौफनाक तरीके से हुई कि उसके बाद से लोग माफिया मुख्तार के नाम से ही कांपने लगे थे। हम आपको बताते हैं कि साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड को जिस वक्त अंजाम दिया गया, उस वक्त माफिया मुख्तार जेल में बंद था, लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मुख्तार को माना गया। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद अपने ऊपर हमले को लेकर लापरवाह हो गए थे। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर के करीमुद्दीन इलाके के सेनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन करने के लिए कृष्णानंद राय निकले। शाम 4 बजे के आसपास जैसे ही वो अपने गांव गोडर लौट रहे थे, तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। करीब 400 गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद राय समेत 6 लोग इस हमले में मौके पर ही मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई।
भले ही साल 1980 में मुख्तार ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, लेकिन 1990 से लेकर 2005 तक पूर्वांचल वासियों ने मुख्तार अंसारी के उस काफिले को भी देखा है जिसमें उसके गुर्गे खुलेआम हथियार लहराते हुए जाते थे। किसी की हिमाकत नहीं होती थी कि मुख्तार अंसारी के काफिले को रोक दे। आज पूर्वांचल वासियों ने मुख्तार अंसारी को चार कंधों पर अंतिम यात्रा करते हुए देखा, जिसके बाद पूर्वांचल के कई घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्णानंद राय की हत्या सामान्य हत्या नहीं थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने कृष्णानंद राय की छुट्टियां काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहा है और बता रहा है कि छुट्टियां काट ले हैं। न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो से पता चलता है कि माफिया मुख्तार कृष्णानंद राय की हत्या के बाद कितना खुश था। इस ऑडियो में मुख्तार और अभय सिंह के बीच बातचीत हो रही है, ऐसा दावा किया गया है। बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है ठीक है, बाद बात होगी। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। तुष्टिकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में आया, इसको स्वीकार। 2005 में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। इस हत्या का मास्टरमाइंड मुख्तार अंसारी को बताया गया। इसके बाद से ही मुख्तार अंसारी लगातार अपनी अंतिम सांस लेने तक जेल में ही बंद था, जेल से वो बाहर नहीं निकल पाया। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के हाथ में सूबे की कमान आई, उसके बाद योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू किया और इस एक्शन के तहत ही मुख्तार अंसारी पर जो 66 मुकदमे दर्ज थे उनमें से 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई और बाकी मामले अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई और अंजाम ये हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सका। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। 65 गुना 400 गोलियों का मुख्तारनामा। कृष्णानंद राय की हत्या के 19 साल बाद लगभग 61 साल का माफिया मुख्तार अंसारी मर चुका है। बांदा में हार्ट अटैक के बाद हुई मौत पर भले लाख सवाल उठें, लेकिन जो लोग माफिया मुख्तार के कोहराम का शिकार हुए थे उनके लिए मुख्तार की मौत होली और दीपावली बनकर आई है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है। बाबा की आशीर्वाद है, जय। आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। 26 साल तक मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में जमकर गदर मचाया, 5 बार विधायक बना, 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए, जेल के अंदर रहते हुए भी जमकर पैसा कमाया और रुतबा बढ़ाया, लेकिन आखिर में मुख्तार अंसारी का भी वही अंजाम हुआ जो एक माफिया का होता है। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का कद कितना बड़ा था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी जिसे चाहता था वही चुनाव जीतता था और जिसे वो ना चाहता था वो चुनाव हार जाता था। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उसके बाद पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का कद लगातार गिरता रहा। पंजाब की जेल में जहां मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर घूमा करता था, उत्तर प्रदेश में जैसे ही मुख्तार अंसारी आया वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी को भी मालूम चल गया था कि अब उसका दुर्दिन आने वाला है। मुख्तार के अंत की कथा 2005 में ही लिख दी गई थी। माफिया मुख्तार ने ऐसी गलती कर दी थी जो उस पर 19 साल तक भारी पड़ी।
कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी बने मुख्तार अंसारी ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया था, इसके पीछे भी आरोप पत्र में एक बड़ा कारण बताया गया है। दरअसल मोहम्मदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार उन्हें कृष्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सदमा मुख्तार और अफजाल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आरोप है कि इसी को लेकर मुख्तार अंसारी के इशारे पर कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। मुख्तार का जनाजा पूर्वांचल में माफिया राज के अंत की तस्वीरें दिखा रहा है। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा, जिस माफिया राज से जनता खौफ खाती थी वही माफिया राज अब यूपी सरकार से खौफ खा रहा है। साल 1990 से लेकर साल 2010 तक जिस मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल के राजनीति में सिक्का चलता था, आज उसी मुख्तार अंसारी के अंतिम यात्रा में उसकी पत्नी अफसा अंसारी शामिल नहीं हो पाई। यहां तक कि उसका बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल नहीं हो पाया क्योंकि वो कासगंज जेल में बंद है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन अब्बास अंसारी को इजाजत नहीं मिली कि वो अपने पिता के अंतिम यात्रा में शामिल हो पाए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया था। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा कि यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदली और कई पैतरे आजमाए लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल सकी और आखिर उसकी मौत हो गई और गाजीपुर से पूरे यूपी में कदर मचाने वाला माफिया कब्र में दफन हो गया।